बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नाज़िर नाना चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए सर्दियों की ही सौगात लेके आई हूँ जी। आज मैं आप सबके लिए बनाऊंगी शकरकंदी। इसको किस तरह से बॉयल किया जाता है, मेरे साथ रहिएगा, मेरी पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। बहुत ही आसान और ईजी तरीके से तैयार होगी ये शकरकंदी, घबराना बिल्कुल नहीं है आपको। इसको बड़े और बच्चे सभी शौक से खाते हैं सर्दियों में। तो आए बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या ले रही हूँ। ये मेरे पास है शकरकंदी, इसको मैंने धो लिया है, और ये मैं ले रही हूँ एक गुड़ का पीस, और साथ ही मेरे पास एक कप पानी है। ये एक ऐसी सब्जी है जिसको हम बहुत शौक से बनाते हैं, खासकर सर्दियों में पाई जाती है ये। सबसे पहले मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ। पानी ऐड करने के बाद इसमें मैं गुड़ का पीस ऐड कर देती हूँ, साथ ही इसमें मैं शकरकंदी रख देती हूँ। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे और मेरी वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दें। इस तरह रखने के बाद इसको मैं जिस तरह हम चावलों को दम लगाते हैं उस तरह से इसको कवर कर दूँगी और 15 मिनट पर लो फ्लेम पर इसको छोड़ दूँगी। 15 मिनट गुजरने के बाद इसको हम चेक कर लेते हैं। इसमें मैंने जो गुड़ ऐड किया है, गुड़ की वजह से इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाएगा। इस तरह से मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ और 5 मिनट के लिए इसको दोबारा कवर कर देती हूँ लो फ्लेम पे। 5 मिनट गुजरने के बाद इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शकरकंदी तैयार है, बिल्कुल सॉफ्ट है। इसको अब मैं पानी में से निकाल लूँगी, इसको ठंडा होने देंगे और छील लेंगे। छीलने के बाद इसको हम काट लेंगे और खा लेंगे। उम्मीद करूंगी आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।